कंटेनर में फिट हो गया। ये 40 फिट कंटेनर है, इसके अंदर हमने पैक किया ऑलमोस्ट 3500 बॉक्स। ऑन एन एवरेज 3400 टू लेकर 3500 तक आ जाता है 40 फीट राइट। तो रीफर में आपको 20 फीट और 40 फीट का ऑप्शन आता है या सिर्फ 40 फीट? रीफर में 40 फीट ही 40 फीट भी आता है। तो आपके अपने जब ये माल यहाँ पर लाया, जैसे आपने बोला 200 बॉक्सेस आपने किसी को बेचे, 100 बॉक्सेस आपने राइट, तो आप बायर टारगेट करने के बाद अपने माल यहाँ पे लेके आए या आप यहाँ पे लेके आ रहे हो और इंडिपेंडेंट सेलिंग? नहीं, यहाँ पे कंटेनर लगने के बाद जो जो छोटे छोटे रिसेलर्स है वो आके यहाँ से डायरेक्ट रिस्क के ऊपर आप यहाँ पे माल लेके आए, तो आपके जो नेटवर्क है फिर आप उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट्स बना के आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सामने वाली पार्टी क्या होता है कि जब ये कंटेनर प्लान करते हैं यहाँ पे, तब जो हमारे एसोसिएट मुंबई में है दे प्लान टू सेल, तो उनका जो नेटवर्क है ऑलरेडी मैसेज जाता है कि कल हमारा सिटी का कंटेनर आने वाला है, लीड्स आपके पास आते हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ एक कंटेनर लाना है, वो लोग अपने आप फिर यहाँ पे आके जो भी है मार्केट का बोली लगाते हैं जब इस रेट से हमें चाहिए, कैश एंड कैरी भी होता है। तो रिजेक्शन इसमें कुछ आपको चिलीज में रिजेक्शन पड़ा है अभी तक अपने जितना माल निकाला है बाहर या फिर कुछ? फिलहाल एक बॉक्स के अंदर आप पकड़ लो कि 5% के आसपास, 3 to 5%। तो इसका कॉस्ट लायबिलिटी हमारा जो आप सेलर, कॉस्ट लायबिलिटी इज डिपेंड, फिर उसका रेट थोड़ा सा नीचे आना शुरू होता है बट बिक जाता है, देयर इज नथिंग व्हिच इज थ्रोन इन द वेस्ट। पर अगर ज़्यादा रिजेक्शन आए तो रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके ब्रेक इवन से भी नीचे चला जाएगा। राइट, वो डिपेंड्स कि आप कितना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ से बन रहे हैं या फिर कितना आप टेक केयर कर रहे हो चीज़ का। और आपने जिस दिन लोड किया था वहाँ से आने तक का कितने दिन का ये शिपमेंट है आपके, जहाँ से आपने ये बॉक्सेस भरे थे? हमने पैकिंग स्टार्ट किया था 11 को, 12 को हमारा कंटेनर पूरा निकल गया था आपके पैक हाउस से, 12 को निकल गया था, 14 को शिप निकल गया वहाँ से, 19 को पोर्ट लैंड हुआ जबलपुर पे और 20 को मार्केट में लग गया था। तो रीफर को आपके जो एड लोकेशन है आपका वहाँ तक रीफर कंटेनर आने का ऑप्शन होता है या पोर्ट पे लेके जाने के बाद रीफर में? नहीं, रीफर कंटेनर आपका जहाँ पे पैक हाउस है वहाँ पे रीफर कंटेनर आएगा, पैक हाउस से रीफर में पैक होगा CFS पे। नहीं, CFS पे नहीं, पैक हाउस फिर CFS में जाके वहाँ पे सील लगेगा। अच्छा ठीक है, इसका कोई आपने क्वालिटी चेक वगैरह करवाया था वहाँ पे इंडिया एंड से या कुछ कैसे? नहीं, आपने रैंडम फिलिंग करके आपको यहाँ पर? रैंडम फिलिंग नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पूरा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट है, कौन सा टाइप का चिली पैक होता है, चिली में क्या क्या वैरायटीज़ है, वो सारा चेक करने के बाद फिर हमने चिली पैकिंग स्टार्ट। तो ये जो जेबी लाली से यहाँ पे लाने का जो वो कॉस्टिंग कितना पड़ता है आपको, मतलब मार्केट तक आने का ये जो ट्रक होता है या ये आप इसका क्या कॉस्टिंग पड़ता है? ऑन एन एवरेज जबल अली पोर्ट से यहाँ तक आने का इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1 लाख के आसपास आया है पोर्ट से यहाँ, ये ट्रक का कॉस्ट है, क्लियरेंस एंड एवरीथिंग का अलग है, पार्किंग का, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग क्लियरेंस एंड एवरीथिंग, बट आपका क्लियरेंस के लिए है DO चार्जेस होते हैं, आपके VAT होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ का पार्किंग का चार्जेस है, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस है, और जो यहाँ से हम जो बेचते हैं तो एक छोटा गाड़ी आएगा और रिक्शा, उसमें बॉक्सेस जाएंगे, ये बॉक्सेस ऐसे बाहर लेके जाएंगे, तो इसका भी कॉस्ट होता है। That is our cost. We have to cover that in our particular costing what we are considering. All cost we have to pay. इंडिया से एक्सपोर्टर आप हो तो यू कैन बी द इम्पोर्टर, जैसे आपने बोला आप खुद लेके आए तो यहाँ पे इम्पोर्ट कंपनी आपने पास नहीं है, जो सामने वाली पार्टी है उनके नाम पे, आपने किसी के नाम पे टाइप कर डिफरेंट कॉस्ट, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका टीस के साथ टाइप है इम्पोर्टर, वो आपका इम्पोर्ट के लिए आपको फिर आप इंडिपेंडेंट सेलिंग यहाँ से डाल, वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे सेल हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग फिर नेक्स्ट कंसाइनमेंट में इम्प्रूवाइज करें और बेटर रिजल्ट पे ज़्यादा काम करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग अलवीर मार्केट में हैं और आज हमारे कुछ क्लाइंट्स के, हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स के कंटेनर्स यहाँ पे सेलिंग के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग उनसे जानेंगे कि आज का क्या प्रोडक्ट है और क्या रेट से बेच रहे हो, कहाँ से आए और क्या वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रफुल्ल जी, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, प्लीज़ आपके बारे में बताइए और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अलवीर में? मेरा नाम प्रफुल्ल पवार है, मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा, और ये मेरा अभी चिली का कंटेनर है, चिली का कंटेनर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, और एज एक्सपोर्टर मेरा थोड़ा सा इंटेंशन था कि मैं पर्सनली मार्केट विजिट करूँ और जानूँ कि मार्केट में कैसे रेट फ्लक्चुएट होते हैं और मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है। राइट, वो हिसाब से फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प होगी। राइट, तो आपने मुंबई से अभी ये पहला कंसाइनमेंट आपका? चिली का फर्स्ट है। चिली का फर्स्ट है। हाँ। इसके पहले क्या करते हैं आप, मतलब और कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं आप? ग्रेफ्ट में किया था। ग्रेफ्ट में किया। हाँ। था। और दुबई में ही करते हैं, कहाँ करते हैं? फिलहाल दुबई में कर रहे हैं। फिलहाल दुबई में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नए एक्सपोर्टर है प्रफुल्ल जी, मुंबई से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद वहाँ से, इन्होंने ये चिली का कंटेनर यहाँ पे भेजा है और यहाँ आके खुद देख रहे कि क्या हो रहा है मार्केट में।
सो आपको क्या लगता है, आप यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, मतलब आप क्यों यहाँ पे आके देख रहे हैं, ऐसा जरूरत है इसकी? थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुंबई में बैठते तो वहाँ से परसेप्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, रेट्स कैसे आ रहे हैं। बहुत बार हमें लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा करे, पर जब ग्राउंड में आते तो पता चलता है कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है और बायर कैसे बिहेव करते हैं यहाँ पे। राइट, तो बायर है यहाँ पे कोई जो आपसे माल खरीद रहा है यहाँ पे, है कोई? हाँ, अभी मॉर्निंग से तो आधा कंटेनर ऑलमोस्ट सेल हो गया हमारा। आज कौन कितवा दिन है आज कंटेनर का? अभी सेकंड डे। ओके, आज सेकंड डे है, आधा कंटेनर सेल हो चुका है। और प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्या ब्रांड से आपने लाया, कैसे किया, क्या किया? ये हमारी चिली का बॉक्स है, अगर आप देखेंगे तो चिली बताइए भाई, चिली का बॉक्स है ये। टोटल इसका वेट है 4. जब हमें पैक किया था 4.4 था। ओके, 4.4 केजी। और ये इंटरनल इसका चिली का वेट है 3.8। ओके, तो 4.4 केजी का नेट वेट है, चिली का बॉक्स है और नेट वेट 3.8 केजी है। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या प्राइस से आपने सोर्सिंग किया और आपका कॉस्टिंग क्या था? कॉस्टिंग हमारा ऑलमोस्ट जा रहा है कट टू कट ही बेसिस पे। बॉक्स का रेट क्या था इंडिया में? इंडिया में अभी हम लोग का कॉस्टिंग ऑलमोस्ट चला गया था अराउंड 380 तक। 380 का बॉक्स लिया आपने मुंबई से लिया? कहाँ से लिया प्रोडक्ट? वाशी मार्केट से लिया प्रोडक्ट 380 का बॉक्स। ओके, वाशी पैक हाउस से। और अब यहाँ से फ्रेट कितना था आपका? फ्रेट हमारा आया था अभी हम लोग को 3.58 रुपीज। ओके, और दुबई आने के लिए कितना टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ कंटेनर का? कितना दिन है आज? ट्रांजिट के लिए मेरा ऑलमोस्ट अभी 9th डे। 9th डे, हाँ। 12th का कट ऑफ था, 12th कट ऑफ और 14th को शिपमेंट निकल गया वहाँ से। राइट, और यहाँ पे 19th को लैंड हुआ शिप। ओके, 19th को लाकर क्लियरेंस होकर 20 को फ्राइडे को यहाँ पे आ गया। राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया ये कंटेनर, अभी आज 9th डे है और आधा कंटेनर सेल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है अभी आपका जो कॉस्टिंग है वो अभी ब्रेक इवन या आगे जा रहा है प्रॉफिट? ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है। ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है। अभी क्या रेट मिल रहा है आपको मार्केट में? अभी ऑन एन एवरेज 26-27 चल रहा है। तो 26-27 दिराम का चिली का रेट है आज का, और उनका जो कंटेनर पहले ही कंटेनर है ये अभी ब्रेक इवन पे जा रहा है, विच इज़ अ गुड पार्ट। बट व्हाट आई वुड से कि जो भी आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप खुद और खुद आके देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आपका गेन है, क्योंकि आपको पूरा मार्केट पता चल रहा है, आप बायर से भी डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो और आप नए एक्सपोर्टर जो है जो आपके जैसा काम शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आओगे तो आपको उसकी कॉन्स नहीं पता चलेंगे। राइट, राइट। अभी मुझे भी यहाँ पे आके, पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया था यहाँ पे आके कि क्या एग्जैक्टली वर्क करेगा। ओके, और अभी मेरा कंटेनर आया तो मुझे और भी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि और मैं कैसे कॉस्ट सेव कर सकता हूँ और को कैसे इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके और एक दिन में इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसा मतलब आप वो तो बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या आपने सीखा यहाँ से और आप कैसे मेजर थिंग ये कि इसकी क्वालिटी, अगर माल की अगर क्वालिटी अच्छी होगी और जो वेट वगैरह नेट वेट है अगर वो अगर हमारा मेंटेन होगा, सॉर्टिंग ग्रेडिंग ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट होगी ना तो एक दिन कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है कॉम्पिटिशन का। ओके, तो मतलब यहाँ पे आप बोल रहे कि अगर क्वालिटी अच्छा है प्रोडक्ट का, पैकिंग अच्छा है, मतलब क्वांटिटी बराबर है, क्वांटिटी तो एक दिरहम से ज़्यादा अच्छा बेटर रेट, मतलब ज़्यादा रेट मिल सकता है। दैट इज द गेन। एक दिरहम मतलब 20 रुपये हो गया पर बॉक्स, मतलब कम से कम पर के जी आपका हो गया 5 रुपये पर के जी, पर हो गया 4 केजी के बॉक्स के लिए। करेक्ट, तो एंड में ऑलमोस्ट कंटेनर के लिए 50-70,000 रुपीज का डिफरेंस, मतलब गेन हो सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई वुड से, क्योंकि मार्केटिंग का जो सेलिंग है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जिस रेट से कस्टमर मांग रहा है उस रेट से बेचना पड़ेगा, और हमारे जैसे अनेक सारे कंटेनर यहाँ पे है। बट अगर आप देखेंगे तो जो सोर्सिंग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोर्सिंग अच्छा करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पैकेजिंग, अच्छा ब्रांडिंग में आप मटेरियल लाएंगे यहाँ पे, तो आपको उनसे एक दिरहम ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आपका जो प्रॉफिट है ये सोर्सिंग में है, जो फील्ड वर्क आप करेंगे उसमें है। तो आपने यहाँ पे बायर्स कैसा ढूंढा, मतलब आपने वो भी बताइए, अभी आपने सीखा खुद कंसाइनमेंट किया, बायर आपने कैसे ढूंढा? बायर से फर्स्ट में आके यहाँ पे पहले इनिशियली विजिट किया, एक मंथ पहले मैंने यहाँ पे पर्सनली विजिट किया था। राइट, बायर से मिला, उनका वर्क देखा कैसे करते हैं वो लोग, कैसे कंटेनर सेल कर रहे हैं। राइट, उनका कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनका ऑफिस वगैरह सारा कुछ समझ के जान के फिर डील स्टार्ट किया। राइट, तो जो बायर है फेडरेशन की एसोसिएट, उनके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है ओवरऑल? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी। तो यही हम चाहते हैं। करेक्ट, दो चीज़ें हैं, एक तो सपोर्ट तो होता ही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कंटेनर डिले हो सकता है, रेट गिर सकता है, या यू नो रीपैकिंग करना पड़ सकता है, ये एक चीज़ होती है सपोर्ट की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी की, है ना, कि भाई ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, माल कैसा है, अच्छा है, ख़राब है। थोड़े बॉक्सेज 10-5 खराब होने के बाद कुछ लोग बोलेंगे आपको कि सारा कंटेनर फेल हो गया, एंड दे विल ट्राई टू यू नो आपको वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे बायर्स है दे वोंट डू दैट, वो दे वर्क वेरी ट्रांसपेरेंटली। तो प्रोडक्ट उसका
क्या हो रहा है, सेलिंग कैसे हो रहा है, द राइट रेट क्या है और अच्छे से अच्छे दामों में बेच के देना, दैट्स व्हाट इज देयर यू नो कॉम्पिटेंसी, दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है, तो यहाँ पे कोई बायर है आपके साथ वो जो जिन्होंने आपका लिया, उनसे भी दो प्रश्न पूछेंगे भाई उन्होंने चिली क्या रेट में क्या कर रहे हैं. ये हमारे एक बायर है अभी, ये इनको इनका हमारा 200 बॉक्स का भी चल रहा है. नहीं, आपका पहले नाम बताइए और कहाँ से आप? मोहम्मद मुजीब. मोहम्मद मुजीब कहाँ से हैं, कौन से एरिया से, कौन से देश से हैं? इधर से, बांग्लादेश. बांग्लादेश से, ठीक है. तो आप क्या करते हैं, मतलब यहाँ से चिली लेके दूसरों को बेचते हैं, रीसेलिंग करते हैं? इधर बेचते हैं. दिन में कितना बेचते हैं आप? दिन में 500-600 पेटी. 500-600 पेटी दिन में बेचते हैं, ठीक है. तो अभी आपको कितना पेटी चाहिए? 300 पेटी. तो रेट पूछा आपने इनसे? रेट पूछा. कितना बोला इन्होंने? 25 बोलते हैं. 25 बोलते हैं. और आप क्या बोल रहे हो? 24 बोलते हैं. 24 बोल रहा है, ओके. और मार्केट का बाकी का क्या रेट चल रहा है? 27, 23, 22, 23, 27, 31. ठीक है, तो अभी हमारे एसोसिएट है, हमारे है ना जो पार्टनर है, उनके थ्रू आपके आया है कंटेनर. तो आपको क्या लगता है क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी मीडियम है. मीडियम है. और फिर अभी जो बोल रहे हैं आप 24, 25, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? 25 पे नहीं हो सकता? बड़ा दाना है, थोड़ा बड़ा है. ओके, तो आप यहाँ से लेके किसको बेचते हैं फिर आगे? अबू धाबी, अलाइन, कुजरा. मतलब वहाँ पे जो छोटे मोटे शॉप्स हैं उनको डायरेक्टली आप देते हैं. तो अभी इनको अभी आप पेमेंट कब देंगे? अगर ये साथ देंगे, अभी देंगे. और आपके जो क्लाइंट हैं आगे जिनको आप देते हैं, वो आपको कब देते हैं पेमेंट? पैसा देगा. अच्छा, मतलब कैश एंड कैरी में ही करते हैं आपका सारा काम? ठीक है, तो आपके जैसा ऐसा काम करने वाले इधर अलवीर मार्केट में कितने लोग होंगे? इधर बहुत लोग हैं, लोग तो ज़्यादा है. कौन से कंट्री के ज़्यादा हैं? पूरा मार्केट में कंटेनर आता ना. अच्छा, तो सभी मतलब आप बांग्लादेश से काफ़ी सारे हैं. अब यहाँ पे जो आते हैं प्रोडक्ट जो आते हैं ना, जो क्या क्या आते हैं इंडिया से? कितना? लेमन चिली, ड्रमस्टिक और दूसरा भिंडी करेला, ऐसा भिंडी करेला बाकी भी आते हैं. ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? चिली चलता है, मतलब 12 महीने चिली चलता है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बायर है यहाँ पे एक, जो ये कंटेनर से कुछ बॉक्सेस ले रहे हैं. तो दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क. जो एक्सपोर्टर यहाँ पे है, हमारे पार्टनर जो इन्होंने ये कंटेनर इज द इम्पोर्टर, वो भी यहाँ पे है, और इनसे जो लेने वाले हैं वो भी यहाँ पे है. ये रीसेलर्स हैं छोटे छोटे, ये पूरे कंटेनर में 200-500-600 बॉक्सेस लेते हैं और वो अपने अपने छोटे छोटे दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैश एंड कैरी पे मोस्टली बिजनेस होता है. तो आप देख सकते हैं कि 25-26 दिरहम से चल रहा है नेगोशिएशन, और इस तरह से ये कंटेनर 2-3 दिन में बिक जाता है, और यहाँ पे इमीडिएटली आपको पैसे भी मिल जाते हैं. ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं. दैट्स हाउ दिस एक्सपोर्ट साइकिल इज कम्प्लीटेड. तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर अभी दुबई मार्केट का? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कि बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ पे आके. जी, अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे ये साइकिल कंटिन्यू रखेंगे. अच्छा, तो जितना फ्लो अच्छा होगा और जितना कंटिन्यूशन में रखेंगे कौन, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा. राइट, ग्रेट. तो ये भी एक पॉइंट है कि एक हाथ कंटेनर करके प्रॉफिटेबिलिटी जज करना डिफिकल्ट होता है. वेन यू डू दैट इन रोटेशंस, जब वॉल्यूम आता है तब उसके बाद थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है, क्योंकि आज रेट कम है तो कल शायद ज़्यादा हो सकता है, परसों और ज़्यादा हो सकता है. तो मार्केट का आपको जो नॉलेज है, जो नेटवर्क है आपका, अब ये आज इन्होंने इनसे मटेरियल लिया, शायद ये 2-3 दिन के बाद वापस आएंगे. तो ऐसे इस तरह से लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपका एक रोटेशन बैठता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो इस हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपका एक चिली का पहला कंसाइनमेंट है दुबई का, और वी होप दैट यू गेट गुड सक्सेस, गुड रेट. और हमारे पार्टनर हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे रेट में. थैंक यू. थैंक यू.